एवरीवन. वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर इज गिव्स अस अ वेरी ब्रॉड होराइजन एंड वेरी ब्राइट स्कोप लुकिंग इनटू व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच हैव बीन गारंटीड. हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को अभी इस हेडिंग में सम अप करेंगे और हमें पता लगेगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो गारंटीड हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट्स टू द सिटीजन्स. सो आर हेडिंग सेज एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स. ठीक है, जितना ज़्यादा वाइड अपने पास राइट्स की इंफॉर्मेशन होगी दिस गिव्स अ वेरी ब्राइट स्कोप. सो देयर हैव बीन मल्टीपल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंड भी हुए हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशंस भी बने हुए हैं. सो वी विल टेक अ जस्ट क्विक एक्सपैंडेड व्यू दैट हाउ दीज चेंजेस हैव कम अबाउट. तो कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव बीन गिविंग जजमेंट्स विच एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ दीज राइट्स. जैसे स्कूल एजुकेशन जो है वो अब इंडियन सिटीजन्स के लिए इट हैज़ बिकम अ राइट. तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द सिटीजन्स अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज. गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं. पार्लियामेंट जो है उसने ये भी इनैक्ट किया है राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट जब सिटीजन्स को दिया गया. सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड्स. ये जो एक्ट है इसने फंडामेंटल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन भी सिटीजन्स को ग्रांट किया है. सुप्रीम कोर्ट जो है उसने राइट टू फूड को भी इनकॉर्पोरेट किया है इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बहुत सारे राइट्स जो हैं इट हैज़ प्रोवाइडेड मैनी मोर राइट्स विच कैन नॉट बी विच आर नॉट फंडामेंटल बट दे हैव इंक्लूडेड इन द अदर कैटेगरी दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट इज नाउ बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. राइट टू वोट इन इलेक्शंस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये जो एक्सपेंशन है ये ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में भी एक्सपैंड होता है. यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स हैं ह्यूमन राइट्स दैट मे और मे नॉट बी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ. कुछ इंटरनेशनल लेवल पर अपने पास कोवेनेंट्स हैं विच आर contributing to the expansion of these rights. जैसे अपने पास first example दिया हुआ है कि South Africa की जो constitution है बहुत नई बनी हुई है it is guaranteeing its citizens several kinds of new rights. जैसे right to privacy दिया हुआ है so that the citizens or their homes they cannot be searched, their phones cannot be tapped and their communication cannot be opened up. राइट टू एन एनवायरमेंट विच इज़ नॉट हार्मफुल वेरी इंपॉर्टेंट टू आर हेल्थ और वेलबींग. थर्ड यू शुड हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग. मतलब ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली बात है. राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज सफिशियंट फूड एंड वाटर नो वन मे बी रेफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट. सो दीज आर सम ऑफ द न्यू राइट्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव टेकन वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ साउथ अफ्रीका विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अपन ऑलरेडी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं साउथ अफ्रीका के बारे में कि ये सबसे नई फॉर्म हुई भी कॉन्स्टिट्यूशन है. तो डेफिनेटली जो राइट्स ग्रांटेड होंगे वो भी काफ़ी नई कैटेगरी के ही होंगे. राइट, सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर that is democratic rights. Perhaps you are supposed to deal with this chapter very sincerely. The reason is because it's a short chapter but it gives an insight into various articles and various rights which have been provided to you as a citizen of the country, right? So with this we'll end up the lecture over here. Thank you everyone.